हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा कि सीटी शोल्डर की फिलिंग कैसे करते हैं। सबसे इजी ट्रिक बताऊंगा आपको। सबसे पहले हमने केस ओपन करना है। आपके सामने सेस, कॉर्नल और एक्सियल ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमने अभी फिल्मिंग करनी है। सबसे पहले हम करेंगे एक्सियल की फिल्मिंग कॉर्नल के ऊपर। ठीक है, मैंने कॉर्नल को सिलेक्ट करा। सेटिंग में जाके पैरेलल रेंज इसको लॉक करूँगा मैं। जो हमारा फर्स्ट कट है हमने क्लेविकल से ऊपर लेना है, जहाँ से हमारा क्लेविकल स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लेविकल के साथ साथ में ये देखना आप ऊपर, ये हमारा क्लेविकल जा रहा है। तो इसको मैं नीचे करूँगा थोड़ा है। ये है हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, हमने लेना है शोल्डर की फिल्म वहाँ तक जहाँ से हमारा जो स्कैपुला है फिनिश होता है। देखना, ठीक है, 35 कट्स। ठीक है, जिसमें एक स्काउट होएगा। स्काउट पे क्लिक करके हमने कॉपी टू फिल्म शीट 34 स्टार्ट, कॉपी टू फिल्म शीट, फिल्मिंग में जाएंगे। यहाँ से हमने सभी को फॉर्मेट को सिलेक्ट कर लेना है 5x7। ठीक है, हमने जो ज़्यादा फोकस करना है सिर्फ शोल्डर पे फोकस करना है। ये हमारा क्लेविकल, ये हमारा जो ह्यूमरस है उसका मीट। ठीक है, तो हमने इसको जूम कर देना है ताकि जो हमारा शोल्डर वही दिखे। कभी कभार होता है जो हमारा जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो टूट के फ्रैक्चर होके आगे को या पीछे को निकल जाता है, इसलिए यदि हमें ऐसा लगा तो हम एक कट को जूम करके यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा तो मैं नॉर्मली इसकी एक्सेल की फिल्मिंग मेरी हो चुकी है। अभी मैं दोबारा 3D में जा रहा हूँ। ओके, अभी हमने क्लोज करा। अभी हम कॉर्नल की प्लानिंग करेंगे सेस पे। ये देखिए, आप आपको ह्यूमरस दिख रही होगी, तो आपने इस कोडिंग बैच लेना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखे, जैसे हमारी ह्यूमरस है मैंने उस कोडिंग इसको एंगल दे दिया। उसके बाद जैसे हमारा ये देखिए आप इधर से क्लेविकल दिखना स्टार्ट हो रहा है और ह्यूमरस दिखना स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेके ये हमारा स्कैपुला है। ठीक है, जहाँ तक हमें स्कैपुला दिख रहा है, स्कैपुला हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जो शोल्डर में आता है कभी कभार स्कैपुला का भी फ्रैक्चर हो जाता है, इसलिए इसको दिखा रहे हैं। इसको मैंने लॉक करा। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पे कॉर्नल के कट लेने हैं 20 कट्स कॉर्नल के। स्टार्ट, कॉपी टू फिल्म शीट, फिल्मिंग। हमने सिर्फ स्कैपुला को जूम करना है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। जो कॉर्नल है उसके बाद हमें दोबारा 3D में जा रहे हैं। अभी हमने क्या करना है, जो कॉर्नल का सेंटर कट है उसको लेके इस पर साइज की प्लानिंग करनी है। ये देखिए, ये हमारा स्कैपुला दिखाना गया, तो जहाँ से हमारा ह्यूमरस है एंड हो रहा है लॉक करेंगे। लॉक करने के बाद इसके 15 कट्स स्टार्ट, कॉपी टू फिल्म शीट, फिल्मिंग। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि इसमें फाइंडिंग आ रही है तो आप तीन फिल्में भी इसकी बना सकते हो, एक्सियल, कॉर्नल और सेल्स। बट मैंने आपको प्लानिंग बता दी है कि कैसे बननी है। ठीक है, जो सेल्स के कट से मुझे इतना कुछ लगा नहीं था तो मैंने कॉर्नल में ही एडजस्ट कर दिया इसका। ठीक है, यदि मुझको प्रॉब्लम लगती तो मैं तीन फिल्में इसकी अलग अलग बनाता। अभी देखिए, जो हमारी एक्सियल की फिल्मिंग है वो भी रेडी हो चुकी है। उसके बाद जो कॉर्नल है और सेज है इसकी फिल्म भी रेडी हो चुकी है। अभी मैं दोबारा 3D में जा रहा हूँ। यदि आपको इसमें VRT देना है, 3D रिकन्स्ट्रक्शन देना है, तो आपने क्या करना है, बोन विंडो का नहीं, इसमें आपने सॉफ्ट विंडो का देना है। ठीक है, ये हमारी सॉफ्ट विंडो है। ठीक है, अभी मैं इसका VRT बनाऊँगा। मैं
मैंने इसकी ऑलरेडी कटिंग करी हुई थी, मैंने जैसे ओके करा तो वो अपने आप ही रिमूव हो गया। ठीक है, ये देखिए हमारा क्लेविकल स्कैपुला ह्यूमरस, तो मैं इसको घुमा घुमा के थोड़ा सा दे दूँगा। मैंने नॉर्मली 6 कट दे दिए मैंने आपको दिखाने के लिए, आप 8 दे सकते हो, 10 दे सकते हो। ठीक है, जो हमारी VRT है इसके लिए हमारे पास एक अलग से प्रिंटेड है, जो नॉर्मली जैसे एक फ़ोटोकॉपी होती है कलर फोटोकॉपी वैसे ही हमें देता है पूरे हार्ड पेपर पे, सेम ऐसी आएगी, हमारे नेगेटिव फिल्म पे नहीं देते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है, वो अलग से है। तो मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आपको, यदि हम एक्सेल में जो फिल्मिंग करते हैं तो उसमें मीडियम क्या देखते हैं? फिल्में में हम देखना होता है कि यदि ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ है, यदि फ्रैक्चर है तो हमें ये देखना होता है जो हमारी हेड ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, वो जो स्कैपुला है, ठीक है, जो गैलेनॉइड कैविटी है, ये देखिए इसके बीच में जो होती है ना, ये गैलेनॉइड, इसमें देखना होता है कोई चिप फ्रैक्चर तो नहीं इसमें पड़ा हुआ, छोटी सी बोन को टूट के इसके बीच में तो नहीं चली गई। ठीक है, जैसे देखिए एक हल्का सा चिप फ्रैक्चर टूटा हुआ है। ठीक है, यदि ये इधर वाली साइड में होता तो हमें देखना होता है, तो इसका ऑपरेट करना होता है उन्होंने, डॉक्टर ने। ठीक है, यदि हम नहीं दिखाएंगे तो हमारा डायग्नोज मिस हो जाएगा, इसलिए हमें दिखाना होता है, क्योंकि नहीं तो फ्यूचर में पेशेंट को शोल्डर में पेन होगी, एक रड़क सी फील होती रहती है, चुभन सी फील होती रहती है कि अंदर कुछ चुभ सा रहा है। ठीक है, इसलिए हमेशा ये दिखाने आपने यहाँ वाले कट बहुत थिन कट देने हैं, ताकि इसमें छोटी सी कोई चिप फ्रैक्चर हो तो अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा था इसलिए मैंने नॉर्मली दे दी है। ठीक है, जो चिप फ्रैक्चर है मेरा इसमें फिल्मिंग में दिख रहा है। ठीक है, तो मे बी आपको इजीली समझ लग गया होगा कि फिल्मिंग कैसे करते हैं एक्सियल कॉर्नल सैज और जो VRT की फिल्मिंग है। आप नेगेटिव पे भी दे सकते हो यदि आपके पास प्रिंटर नहीं है, यदि है तो आप एक अलग से कलरफुल दे सकते हो, तो उससे क्या होगा पेशेंट को भी ईजी पता लग जाता है पेशेंट की हमारा क्या फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको भी समझ लग जाता है, ईजिली समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मे बी आप इजिली समझ लगे होगी आपको भी कि फिल्मिंग कैसे करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।